हाँ यूं हाले ले और कहीं मजा आएगा। आयो मजो यहाँ बन रही पनीर चिल्ली ये बड़ा क्योंकि हम ईश्वर की उपासना के लिए खुद शिव शंकर के चरणों में उपस्थित हुए। 5 से 10 हज़ार साल पुराना मंदिर। अभी शुरुआत करिए, पहला कदम सूप के साथ में है, फिर आगे मैगी, फिर पनीर चिल्ली और ये सब चीजें भी होगी। हरी मिर्ची, टमाटर और प्याज। जैसे हाईवे जा रहा है और यहाँ पे बोर्ड लगा है जय महादेव का, यहाँ से अंदर की साइड पर रास्ता जा रहा है जय महादेव के लिए और ये हाईवे जा रहा है। उदयपुर से गोगुंदा वाला हाईवे है ये। जय महादेव जी का मंदिर है, बस जा रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वहाँ पानी चल रहा है, आके देखते हैं एक बार, महादेव के दर्शन कर लेते हैं। ये पहुंच गए मंदिर के यहाँ पे, ये पीछे टीम है पूरी, 2-3 जने अभी बाकी है और टीम के मेंबर। कहते हैं किसी समय में गौतम ऋषि जी यहाँ तपस्या करते थे, उन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम गौतमेश्वर महादेव पड़ा और यहाँ पर एक झरना भी है जो 12 महीने चलता है, इसलिए इस जगह को जर महादेव भी कहते हैं। जर महादेव उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने मेन महादेव का मंदिर है जय महादेव। यहाँ पे जय महादेव जी के मंदिर का चौक है, सामने मंदिर है, इधर माता जी का मंदिर है। मंदिर बहुत ही प्राचीन है ये। जय माता जी।
इधर ये महाराज की धूनी है। उधर हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर के महाराज के लिए रूम बने हुए हैं भक्तों के लिए। यहाँ पे अनाज वगैरह मंदिर का सामान रखने की जगह है। वट वृक्ष है ये, बड़ा बहुत ही विशाल है। और कतरी भी बड़ी छत होना है तो पट्टी नहीं लगाएगा, मतलब नीचे वो फाउंडेशन वो भाटा ने सेटिंग करता 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 नहीं तरह ले जाए तो गुम्बद और विलेज वाइज वो ठीक तो मुसलमान आई ने और मीनार वणानो अटे ही क्या ठीक है ना। और वणारी मीनार में ने गुम्बद जो अपनी वजह हुए अणा ने देख ने वणा गुम्बद बनाया तो आपनो जो यो इने यो गोपुरम कहवे जटे बैठने ने हवन वगैरह वे यो वालो तो अटे भी गई वेगा आपने पट्टी वगैरह कहीं भी नहीं लगावे फाउंडेशन उस अंतरूम ले जावे भी नहीं एक एक बाटो आधा आधा इंच आगे हरकतो 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 हर बाटो एक दूसरा पर बैलेंस करे तो ये जो आर्च है आर्च जो आर्च अंडो वजन लेगा पूरो। बारिश के दिनों में यहाँ से पानी जाता है और पहाड़ों से पानी आता है वो यहाँ से होके जाता है। मंदिर ये बहुत ही ज्यादा प्राचीन है। कितना प्राचीन है ये तो कोई बता नहीं सकता, बहुत ज्यादा प्राचीन है। कौरव पांडव के टाइम का जो बताते हैं कि कौरव आए थे दिख रहा है यहाँ का आर्किटेक्ट भी जो बना हुआ है लेकिन लग रहा है वो मूर्तियाँ भी खंडित खंडित कर दी है खंडित हुई है ऊपर से भी घुमड़ घुमड़ भी तोड़ दिए हैं सब। बरगद के पेड़ से आप अंदर गौतम ऋषि जो थे गौतम ऋषि मतलब उनके टाइम का है वो जो लग रहा है वो देख गौतम ऋषि की वो गौतम ऋषि तो सही सही कह रहे हो पर ये देखो बरगद के पेड़ से अंदर लगा सकते हो आप कितना पुराना कितना पुराना क्योंकि जड़े वापस ऊपर जड़ा निकल के वो जमीन में चली गई बहुत ज्यादा आप लगा सकते हो कितना कम से कम 5-7 हजार साल पुराना मान के चलो मतलब 5-10 हजार साल पुराना मंदिर है तो मतलब समय के साथ इसको ठीक किया वापस टूट गया होगा वापस ठीक किया है। सर महादेव के स्थान में कहीं ना कहीं वो रहस्य है उसने कहानी खतरनाक है भैया यहाँ कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ नींबू का पेड़ है ये और इसके बीच में देखो छोटा सा चिड़िया का घोंसला है घर बना रखा चिड़िया ने अपना और अंडे भी दिख रहे हैं 4-5 अंडों को हाथ मत लगाना। ये देखिए आपके नींबू ऊपर भी दिख रहे हैं पेड़ में प्राकृतिक नींबू है नेचुरल देखो ऊपर से पानी आ रहा है वो यहाँ पे एक बावड़ी है बावड़ी के अंदर पानी जाता है और बावड़ी में से फिर आगे पानी जा रहा है वो जो पो दिख रही है वो सामने पो दिख रही है वहाँ जाके दिखाता हूँ मैं आपको। ये बावड़ी है ये वही बावड़ी जिसके लिए मैं बता रहा था बावड़ी में से पानी यहाँ से निकल के बावड़ी में से जो पानी निकल रहा है ये ऊपर से आ रहा है बावड़ी भर रही है और बावड़ी के बाद जो पानी होता हुआ यहाँ से होता हुआ पानी उस में जा रहा है।
यहाँ से पानी आगे एक डैम बना हुआ है, उस डैम में पानी जाता है, वहाँ जाके भी दिखाएंगे आपको। ये हमारे योगेश जी, पानी एकदम गुनगुना बढ़िया पानी, सर्दी के अंदर गर्मी का एहसास हो रहा है। इसी पानी से खाना बनाएंगे अभी हम। बरगद के पेड़ है चारों तरफ, पे मंदिर के वहां पे भी था, यहाँ हर जगह बरगद के पेड़ है बड़े बड़े। जो पनीर और गिरा है धूप में नगंगा गया यार। ये तैयारी हो रही है धीरू भैया हमारे, ये पनीर के टुकड़े कर रहे हैं जो हम सूप में डालेंगे। योगेश जी टमाटर काट रहे हैं। तैयार हो गया कोट एंड श्योर वेजिटेबल का प्योर सूप है, ये वेजिटेबल का। मैगी की तैयारी हो रही है, अंकल प्याज काट रहे हैं। एक बार सूप पी लेते हैं पहले, उसके बाद मैगी, क्योंकि देखो प्राकृतिक चीजों में, प्राकृतिक चीजों का मजा आता तो ही बढ़िया सी लगती है। ये बात और आए भी इसी तरह अंदाज से फ्री माइंड हो गया। कल 31st होने वाला है और नया साल का शुरुआत होने वाली है, तो क्यों ना कुछ खट मीठा खा पी के नया साल की शुरुआत करी जाए। सही है, इसलिए धीरज भैया ने बोला है कि चलो कुछ तूफानी करेंगे आज जर महादेव के अंदर। इस साल के पास में है और वहीं आए हैं और अभी शुरुआत करिए। पहला कदम सूप के साथ में है, फिर आगे मैगी, फिर पनीर चिल्ली और ये सब चीज़ें भी होगी। तो जगह कैसी लगी सर आपको? जगह बहुत बढ़िया है, ये एकदम शांति वाला वातावरण है। यहाँ पर बंदर बंदर की चहचहाट, जानवर की झरना चल रहा है धीरे धीरे। नमक लाना भूल गए थे हम, जो ये हमारे भाई साहब लाए नमक, क्योंकि नमक के बिना तो नहीं। तो मैं आज दुनिया कितनी भंडा बना रही है, टाटा की जगह तारक बेच रही है, केली की बेकिंग वैसी थी टाटा जैसी। टाटा बाटा देश को बढ़ा रहे हैं, पर ये तारक नया आ गया है। टाटा बोल के बाटा बना। नमक के बिना तो नहीं, तो सूप में मजा है ना, मैगी में ना, पनीर चिल्ली में। सही बात है, नहीं सब इंसान का जीवन भी सही है। ओ लाला भाई सही है, एकदम सही है। सूप सर वेरी नाइस, नाइस सर, एवरीथिंग टेक्सचर इज वेरी गुड, लग तो बढ़िया रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं कैसा बना है। सबसे पहले बड़े भाई साहब को दीजिए। अब
फुल भरी है सब। बस सो कुछ वो माल उठेगा। हाँ देखो आहा आए हाय योगेश जी दूना लेके बैठ गए। सूप इतना जोरदार बना है, देखो उसमें मजा है, मजा आने वाला है आज। कैसे बना अंकल सूप? शानदार, जोरदार है सूप, मार्वेलस। नेचर में बैठ के ये सूप पीने का मजा ही अलग है। नहीं अंकल और अच्छे मस्त सूप टेस्ट होते हुए मस्त मजा आ गया। लाला ने मजा आई गया, तगड़ा लाला का पूरा मुंह लाल हो गया। कैसे बना सूप? बहुत कहीं ना क्यों नहीं है माँ वैसे। अरे पैसा वाणी में कांदे वांदे का सब होता है, होटल सूर में सब होगा। व्रत वाला रहने तो अभी मैगी बन रही है। यार गट्टा थोड़ा बड़ा बड़ा हो गया दिख रहा है अंकल, देख रहे पनीर तो गायब भी हो गया। नहीं नहीं, वो पनीर को ऊपर से डालना था। खाने की खुशबू से बंदर आ गए हैं बहुत सारे। दो चार बंदर पहले से थे पर और आ गए। ये बेटा है अटैक करने के मूड में है पूरा। की गोद में ऐसी पिकनिक पानी चल रहा है, चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, हरे भरे पेड़ हैं और खाना बन रहा है। कैसा लग रहा है अंकल आपको? अत्यंत ही मनमोहक दृश्य है, मेवाड़ की प्राचीनतम उपत्यकाओं में बैठ करके और यहाँ पर रमणीय स्थल देख करके, कल कल बहता हुआ यहाँ का पानी और झरने और हमारे इतिहास की याद दिलाता है। आज हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है कि हम ऐसे स्थान का चयन कर सके जो उदयपुर के पास में मेवाड़ के प्रसिद्धतम स्थानों में से एक है, जहाँ पर स्वयं शिव शंकर भगवान ने अपनी जटायों को खोलकर जिस तरह से गंगा को पृथ्वी पर लाए थे उसी प्रकार से यहाँ पर इस नीरव जल को पृथ्वी पर उतारा है। ऊंचे पहाड़, बेहद खूबसूरत वृक्ष हमें याद दिलाती है हमारे गौरवमय क्षणों का, हमारे गौरवमय इतिहास का और मेवाड़ की धरोहरों का। आज हृदय अत्यंत पवित्र हो चुका है क्योंकि हम ईश्वर की उपासना के लिए खुद शिव शंकर के चरणों में उपस्थित हुए। मैगी बन गई है, स्वादिष्ट में मैगी बन गई है। कैसे बनी मैगी अब राय लेंगे सबसे? अंदाज अपना अपना, हाँ देखे योगेश जी बताएंगे हर चीज। देखो बराबर तरीके से सारे मसालों वसालों का मेल बिठाया है और मैगी का रंग भी बता रहा है कि किस तरीके से हर चीज़ मिक्स हो चुकी है। ये चीज़ का खाने से अनुभव हो पाएगा आपको कि ये क्या चीज़ है। अरे अरे कितना खुश नसीब चीज़ है आज, देखो खाने वाले को पता पड़ेगा। ज़्यादा गर्म है, खा के कैसे बताएं आप? हिम्मत करिए, मेरे ठंडी हो जाएगी जब तक इनके है। उनको देखिए, वो देखो लाला जी से पूछिए आप, लाला जी बताइए देखिए उनके मुँह में। अच्छा बना, बहुत टेस्टी है। बात की थी हौला की मैगी,
वाह जदे अंदाज निराला है कि नहीं जो टेस्ट एक घंटे में मेहनत करी है उसका रंग निकला जोरदार सही है कि नहीं हलवाई है हर चीज मिक्स हो गई है आप तो भरी है एक एक चीज मिक्स करके दाने दाने में स्वाद आ गया ऐसी पार्टी रोज होनी चाहिए क्या बात है ये लोकेशन छोड़ के अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं वहां बनाएंगे पनीर चिल्ली एनी घाट है नीचे यहाँ पे ये दिख रहा है हल्का हल्का उसका रास्ता वो नीचे बना हुआ वहां से जाना पड़ेगा अभी हम यहाँ जर महादेव जी के अंदर ही गवर्नमेंट की नर्सरी बनी हुई है एक यहाँ पे जा रहे हैं नर्सरी के अंदर भी महादेव का छोटा मंदिर है अच्छा नर्सरी है पूरी गवर्नमेंट है अच्छा कैसा कैसा पेड़ है आपने पास मंगरा में रोपा रहा जो भी मतलब वैसा मिल जाएगा गवर्नमेंट रही से सब कितना रुपया लो 15 रुपया एक पेड़ का 15 रुपया ले युगंडो बादाम रो नहीं सागवान सागवान बस सागवान रुपये का कैसे कैसा पेड़ है टाइम मेन मेन आंबा है और जामुन है आम्बो है जामुन है आम और जामुन और अमली है इमली है और होली सेमला है अच्छा और आंवला अच्छा आंवला और चुरिल अच्छा और बेड़ा ये ऐसी से ये सब मतलब हाँ सही है तो आप ही संभालते हो कि यहाँ अफसर है अफसर है बांस के पेड़ है या केले के हैं सारे पेड़ यहाँ पे मिल जाएंगे जर महादेव के साथ ही ये नर्सरी बनी हुई है ये देखिए पपीता वगैरह उग भी रहे हैं और छोटे पेड़ भी हैं इनके आंवले उग रहे हैं यहाँ बन रही पनीर चिल्ली पनीर चिल्ली फाइनल टच में आ रहे हैं हम फाइनल टच में आ गई है पनीर चिल्ली और ये भावेश भाई हमारे कारीगर है पनीर चिल्ली के और केजीएफ का ये क्या हुआ और ये केजीएफ का टीम बसता हुआ क्या देख रहे हैं हम योगेश जी पनीर चिल्ली को लेके जा रहे हैं ऊपर सब जने पनीर चिल्ली को ऐसे देख रहे हैं कि मुंह में स्वाद आ रहा है नाला तो गंदा ही हो गया है
तो बड़ी गाड़ी लिया ले एक पौधे की रेट है यहाँ पे 10 से 15 रुपए 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा। आई जी, आई जी, दो पौधे ले लिए अंकल ने। वाह साहब, वाह, धन्यवाद। अरे पधारो आप। हाँ हाँ, धन्यवाद। तो कहीं भी पार्टी करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, तो लास्ट में जो बिखेरा हो रहा है उसको वापस समेट के थैली में लें। उसको कचरा सारा समेट दिया, सारा समेट दिया कचरा। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। हाँ, प्लास्टिक सारा अवेयर लिया हमने, जो भी गंदगी करी सारी अवेयर ली हमने, क्योंकि भारत की स्वच्छता और अपने ही हाथ में है। अगर स्वच्छता रखेंगे तो देश आगे जाएगा। सही है।